सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड. माई सेल्फ अभिषेक सानू एंड वेलकम टू अभिषेक सानू ब्लॉग्स. सो गाइज, इट्स 9 AM मॉर्निंग. आई एम स्टार्टिंग माई डे. एक्चुअली टुडे इज माई टेस्ट, सो आई एम प्रैक्टिसिंग सम बायो क्वेश्चन. एक्चुअली मुझे 4 to 5 डीपी करनी है, सो अराउंड 200 to 250 क्वेश्चन मुझे करने हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. आफ्टर कंप्लीटिंग माई DPP मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया. एक्चुअली मैंने पूरा DPP किया भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे सारे DPP किए हुए थे, तो मैंने जो जो नहीं किया था बस उसे मैंने कंप्लीट किया. और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फिर से प्यूरिफिकेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है ना, तो मेरे साथ क्या होता है, जो भी थियोरेटिकल चैप्टर होता है ना, मैं उसे जितना भी पढ़ता हूँ ना उतना मैं ज़्यादा भूलता भी हूँ. तो मतलब थ्योरी याद करने मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है. ऐसा बायो के साथ नहीं है, बस ऐसा केमिस्ट्री और फिजिक्स में होता है. आई डोंट थिंक कि सबके साथ ऐसा होता होगा, बट मेरे साथ ऐसा होता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बता दो कि मतलब मैं ये वियर्ड इंसान नहीं हूँ. बस फाइनली इट्स टाइम फॉर माई टेस्ट. इज ऑलरेडी 2:30 और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट कोई नहीं, यहाँ मैं जल्दी से अपना टेस्ट स्टार्ट करता हूँ. और आज के टेस्ट में आ रहा पूरा 12th का सिलेबस, जिसका प्रिपरेशन मैंने 1 week पहले से स्टार्ट की थी, बट अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था. तो फाइनली मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो है कंप्लीट हो गया है, क्योंकि वो होता है ना कि आप कितना भी पढ़ लो कितना भी पढ़ लो, सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन एग्जाम के एक रात पहले ही होती है. तो वैसा मेरे साथ भी है. जोक्स अपार्ट, लेट्स कंटिन्यू टू माई टेस्ट. सो हियर आई एम ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ माई टेस्ट. मैं अभी आप फिजिक्स कर रहा हूँ. मैंने बायो और केमिस्ट्री कर लिए. बायो इजी आए थे, केमिस्ट्री भी मिला जुला के इजी ही थे. थोड़े बहुत सवाल बाहर से आए थे, बट कोई नहीं, वो इजी थे. बायो सबसे ज़्यादा इजी, केमिस्ट्री फिर इजी. और यहाँ फिजिक्स में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी है, और पेपर कुछ ज़्यादा ही लेंथी आ रहा है फिजिक्स में. सो यहाँ पर मैं फिजिक्स सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ फिजिक्स में मैं कितना स्कोर कर पाता हूँ. मैंने पहले थियोरेटिकल कर लिए थे, तो मैंने थियोरेटिकल में जो कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे तो वो मैंने छोड़ दिए थे. तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहा हूँ जल्दी से. सो गाइज, फाइनली माई टेस्ट इज डन. और 2-3 टेस्ट है ना फिजिक्स में कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट सवाल आने लगे हैं, बट आज का टेस्ट में कुछ फॉर्मूला बेस्ड था, मैंने उसे कर लिया. बट पेपर काफ़ी लेंदी था, मुझे पूरे 3 घंटे लग गए पेपर करने में. 1.5 घंटा तो मुझे फिजिक्स करने में लग गए, बट जो भी हो यहाँ मैं जल्दी सबमिट करता हूँ. सो लेट्स सबमिट. एंड माई स्कोर इज 607 एंड रैंक इज 239. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 600+ आएंगे, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट था तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था. और सब्जेक्ट वाइज बात करें, सबसे ज़्यादा बॉटनी में, फिर जूलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग बराबर ही आया है. फिजिक्स में मुझे लग रहा है कि मैंने सवाल कर लिए थे, आई थिंक. शायद केमिस्ट्री में मैं इसलिए मिस्टेक किया हूँ, तो वो मैं यहाँ पर अभी करूँगा थोड़ा सा एनालिसिस, फिर उसके बाद मुझे पता चलेगा मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ.